रोज नया नया तमाशा खड़ा किया जाता है। आजकल दो दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई, 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है जय शाह का पप्पा अमित शाह, SPG उसके अंडर में है, आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1,00,000 बार बोलें आम है आम है आम है तो नारियल आम हो जाएगा। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। कहते हैं ना जो बनाता है उसी को दर्द होता है। महिलाएं इस बात को बखूबी समझेंगी कि जो मां 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है उसको मालूम होता है कि मां बनना कितना मुश्किल काम होता है। जो घर छोड़ करके भाग गए हैं, जो घर नहीं चला पाए हैं, वो देश क्या खाक चला पाएंगे। और इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का तमाशा रचा जाता है, तरह तरह का तमाशा खड़ा किया जाता है। और इस तमाशे के खिलाफ जो जनता है उसका जो सवाल है, उस सवाल को उनके बीच में ला करके रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को कांग्रेस पार्टी हर हालत में उठाएगी। आजकल कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नए नए शब्द गढ़े गए हैं। जैसे मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े का पोस्टर लगा दिया है। हमने कहा कि देखिए हम बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे भाजपा का, इतना टुकड़ा करेंगे ना कि फिर ये फेविकॉल क्या फेविक्विक लगाने के बाद भी जुर नहीं पाएगा। और ये जितनी कोशिश कर लें, ये 3 आरोप लगाते हैं मुख्य रूप से, एक हिंदू विरोधी होने का, तो मेरा तो नाम कन्हैया है, दूसरा सेना विरोधी होने का, क्योंकि मैं पहली बार गोवा आया हूं इसीलिए आपको बता रहा हूं, मेरे घर से 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं, और तीसरी बात जो मैं कर रहा था जिसकी वजह से मैं कांग्रेस पार्टी का ये खेस अपने कंधे पे रखा हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं जिस परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिला करता था।